तो फाइनली दोस्तों देखिए अभी काम पूरा, अरे खड़ा रहो रे, हमारा बैठ तक आया, चल बैठो, उठो उठो उठो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल लव कुमार ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी हम उपस्थित हैं अपने खेत में, और जैसा कि देख रहे हैं पीछे अभी आलू का जो कोड़ाई है वह शुरू हुआ है, तो हम लोग आलू कोड़ने आए हुए हैं। और देख सकते हैं पीछे पीछे का बैकग्राउंड, पीछे मोंटी कुमार और बगल में उपेंद्र है, और साथ में देखिए यहाँ पर अभिराज कुमार भी आया हुआ है। देखिए अभिराज, हाय कर दो बाबू, हाय करो। तो देखिए अभिराज देखिए ये भी आया हुआ है काम करने। कैसा लग रहा है बाबू, ठीक लग रहा है? हाँ तो देखिए इसको ठीक लग रहा है, इधर आ करके ये भी साथ में आ जाता है काम करने। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं इधर का नज़ारा। और पिछले वीडियो में हम दिखाए थे कि हम लोग इसमें आलू में मतलब माटी वोटी चढ़ाए थे, तो फिलहाल अभी देख सकते हैं 10-15-20 दिन हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि आलू किस तरह से बढ़ गए हैं। तो हमको तो हम नज़दीकी से दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये देखिए आलू कितना बढ़ गया है। दिखाओ बाबू आलू को, दिखाओ तो, दिखाओ इसको धर के, तो देख सकते हैं आलू कितना बढ़ गया है। तो इसीलिए इसमें है कि माटी को कोड़ा जा रहा है, और माटी इसलिए कोड़ा जाता है कि इसमें थोड़ा सा हवा हवा जाएगा तो इसका जो विकास है, ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से हो, इसीलिए माटी को कोड़ा जाता है। और माटी कोड़ने के 5-6 दिन के बाद इसमें है कि पुनः इसमें माटी चढ़ाया जाता है, और माटी चढ़ाने के बाद 1-2 दिन जब सूर्य की गर्मी इस पर पड़ जाएगा तो फिर पानी पटाया जाता है। तो यह प्रक्रिया होता है आलू का खेती करने का। और आइए चलते हैं, हमारे बीच उमेश कुमार, नहीं सॉरी उमेश नहीं, उपेंद्र कुमार और मोंटी कुमार काम कर रहे हैं, उन लोग से भी विचार विमर्श करते हैं कि खेती गृहस्थी करने में कैसा लगता है। तो आइए मिलते हैं उन लोग से। हेलो दोस्तों, जोहार दोस्तों, हम उपेंद्र कुमार सिंह बोल रहे हैं। अभी माटी कोड़ रहे हैं आलू का, इसको कोड़ेंगे फिर अथी कोड़ करके फिर माटी चढ़ाएंगे 2-4 दिन में, फिर पानी पटाएंगे, तब 2-3 बार पानी पटेगा तो इसको बैठेगा आलू, फिर कोड़ेंगे, फिर घर लेके जाएंगे। तो देखिए उपेंद्र कुमार बहुत अच्छा विचार दे रहे थे, तो उपेंद्र कुमार से और हम कुछ पूछना चाहते हैं। उपेंद्र कुमार, अच्छा जो ये माटी कोड़ा गया है इसमें कितना दिन के बाद पानी इसमें दिया जाएगा? 2-4 दिन में पानी दे दीजिए आराम से। मैंने 2-4 दिन के बाद है कि पानी देने लायक हो जाएगा ना जी। तो देख सकते हैं कि माटी कोड़ने के बाद 2-3 दिन मतलब सूर्य के गर्मी उसमें पड़ना चाहिए ताकि वह पूरा मतलब अच्छा हो सके, इसके बाद है कि पानी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आलू की खेती की जाती है गाँव देहात जो अभी वदा है माटी, अच्छा सूखेगा कोड़ाई माटी सूख जाएगा पूरा, तब 2-4 दिन में इसको चढ़ाएंगे फिर पानी पटाएंगे, तब जाके पटेगा 2-3 पानी तो आलू बैठेगा, एक नंबर बड़े बड़े आलू बैठे। हाय दोस्तों, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अंकित कुमार भी आ चुका है। अंकित कुमार हाय कर दो, बढ़िया से देखो इधर, हाय क्या करने आया है? देखने बाबू, बाबू को देखने आया है कि आलू का खेती देखने आया है? बाबू को देखने आया है। तो देखिए दोस्तों फाइनली काम पूरा हो चुका है, और आप देख सकते हैं पीछे उपेंद्र कुमार, मोंटी कुमार, और साथ में देखिए अंकित कुमार, और पीछे देखिए यहाँ पर छुपा हुआ है अभिराज। इधर बाबू, इधर देखो। तो लगभग 2-3 घंटा मतलब पूरा मेहनत करना पड़ा तब जा कर के ये काम सफल हो पाया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।